हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो। मेरा नाम है इरशाद, आप देख रहे हैं डॉक्टर लाइन। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ वाई पीस के बारे में, जो कि आप देख सकते हो इस तरह का बनेगा। ये मेरा साइज है 40 mm, ये मेरा साइज है 100 mm, और ये जो हमारा साइज है ये 70 mm है, और टोटल लेंथ है इसका 100 mm है, और इनर रेडियस 40 mm। तो इसी के बारे में बताने वाला हूँ किस तरह मार्किंग किया जाता है इस पीस का। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ और मैं बना के आपको दिखा देता हूँ किस तरह बनने वाला है। तो इसमें मैंने एक्सटेंशन रखा है इधर 10 mm, तो उसके साथ मैं आपको मार्कर दिखा देता हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम लिख के दिखा देता हूँ किस तरह लिखा हुआ रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने साइज लिख रखा है, ये जो मेरा साइज है 100 mm बाई 50 mm, वो माउथ मेरा ये है, मतलब 100 mm बाई इसका डबल आएगा 50 का। तो कैंड वाला साइज जो ये 70 mm वो साइज ये है, और लास्ट वाला जो ये मेरा 40 mm है, और डबल का साइज भी 40 mm। तो इसी के बारे में मार्किंग मार्कर दिखाने वाला हूँ किस तरह ये मार्किंग होगा। तो आप लोग बने, तो मैं इसका मार्किंग करके दिखा देता हूँ आप लोग को, आप लोग बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो का। तो सबसे पहले करना क्या है, ये जो हाइट है मेरा 120 mm, इसको लेना है, ये जो 120 हाइट दिख रहा है इसी को लेना है, और यहाँ से मैं मार्किंग सबसे पहले लेता हूँ 120 का। तो ये मेरा 120 हो चुका है, दो मार्किंग ले लेता हूँ। एक ये मार्किंग हो गया है, तो इसको मैं सबसे पहले लाइन मैच कर लेता हूँ यहाँ पे किस तरह ये बनेगा। तो सबसे पहले एक लाइन खींच लिया हूँ मैं। अब मुझे करना क्या है, इसमें एक्सटेंशन लेना है 10 10 mm का, इधर से भी और इधर से भी, तभी रेडियस अच्छा आता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 10 का एक मार्किंग ले लेता हूँ इस तरह से, और एक ले लूँगा इधर भी, और एक यहाँ पे भी ले लेता हूँ मैं एक्सटेंशन, ताकि वाई अच्छा दिखे थोड़ा सा। ये हो चुका है मेरा लाइन, और इसको मैं यहाँ से एक्सटेंशन भी बोल दो आप इसको, या एक्स्ट्रा भी बोल दो, या फिर इसको फ्लांच भी बोल दो, मुश्किल नहीं है, कुछ भी बोल सकते हो। और यहाँ से लाइन खींच देना है। अब जो सबसे पहला काम है वो है इनर रेडियस, जो कि मेरा ये 40 mm है, इसी के बारे में बताने वाला हूँ ये 40 mm रेडियस। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कंपास बना लेता हूँ, और आप जब सीट पे बनाओ तो आप GI सीट का भी कंपास बनाया जाता है प्रकार, या तो आपके पास ओरिजिनल रहेगा तो ओरिजिनल ले लेना। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने 40 mm का प्रकार बनाया है, किस पे, ये वाले पॉइंटर में, ये पॉइंटर पे रख के इस तरह राउंड कर देना है आपको। और उसके बाद करना क्या है, यहाँ से जो मेरा साइज है ये वाला 50, ये मारना है। अभी सिंगल में देख लो, सबसे पहले बता दूँ सिंगल में सबसे पहला साइज ये आता है, फिर ये आता है, फिर ये आता है, और ये सब डबल है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको करना है। तो मैंने 50 का ले लिया है, तो यहाँ पे मैं मार्किंग करके आपको दिखा देता हूँ 50 का। तो वो मेरा आ चुका है यहाँ पे 50, जो पहला साइज है मेरा। तो मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको इस पे बना रहा हूँ, बुक पे बना रहा हूँ, तो मुझे इसमें प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। और आप जब इसको सीट पे बनाओगे तो ये 15 15 mm में इसमें कंपलसरी प्लस किया जाता है, जो कि कोर के लिए नहीं दिया जाता है। तो इसको करना क्या है, यहाँ पे मेरे पास मैं एक लाइन खींच लेता हूँ इस तरह, एक लाइन खींच लेना है, और यहाँ पे भी इसको लाइन को मैच कर देना है। तो ये देख सकते हैं मेरा लाइन हो चुका है ये वाला। ये मेरा एक हो चुका है 50 mm, और अब करना क्या है आपको, ये जो जो सबसे उसके बाद मारना है 100 mm साइज ये वाला, तो वो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ये भी 100 mm। ये भी आप ध्यान में रखना, सिर्फ 100 ही ले रहा हूँ मैं, क्योंकि सिंगल के लिए नहीं ले रहा हूँ कहीं पे भी। एक ये हो चुका है मेरा, और अगर मैं यहाँ से टोटल देखता हूँ तो यहाँ तक 150 आ रहा है मुझे राइट एंगल मारने के लिए। तो यहाँ पे मैं 150 पे रखता हूँ, और ये 100 mm का मार्किंग ले लिया, और इसको इस तरह क्रॉस कर देना है। ये वाई पीस है, ये हो चुका है मेरा 100 mm साइज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 100 mm, और इसको थोड़ी सी लंबी लाइन खींच लेता हूँ मैं ये वाला। तो ये देख सकते हो ये चला, ये 100 और ये 50 mm। और अब करना क्या है, मेरा साइज ये देख सकते हो 100 हो चुका है यहाँ पे, 50 हो गया यहाँ पे, आप बचा 70 mm। तो वो 70 को आपको लेना है कहाँ पे, यहाँ पे लेना है। तो मैं 100 mm पे टेप लगा रहा हूँ, ताकि मेरा जो साइज है वो परफेक्ट आ जावे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक, और एक यहाँ पे 70 mm।
इसको करना क्या है, आपको लाइन खींचना है इधर तक, इस तरह। तो ये देख सकते हो लाइन खींच लिया मैंने। अब आपको करना क्या है, ये रेडियस को लाके ये लाइन में मैच करना है, जो कि आपको ये पॉइंटर के ऊपर रखना है, प्रकार या कंपास जो भी रहेगा आपके पास, यहाँ पे रखना है इस तरह, और इसको यहाँ पे मैच करना है। तो ये देख सकते हो मेरा एकदम सिंपल था वाई पीस बन के तैयार हो चुका है, इतना मस्त दिख रहा। तो ये देख सकते हो मेरा ये वाला जो है ये 70 mm आ चुका है, और टोटल हाइट मेरा ये यहाँ से यहाँ तक है, और ये 100 mm साइज। ये हमारा एक पार्ट बन चुका है। अब आपको करना क्या है, इसी को यहाँ से इस तरह कट करके यहाँ से, और इस तरह जो भी लपेट आ जाएगा आपका इसका, इसमें आपको ध्यान रखना है अभी इसका 3 डबल आने वाला है, एक ये डबल आएगा इधर का, एक इधर का डबल आएगा, एक इधर का आएगा, ठीक है। तो मैं तीनों का डबल निकाल लेता हूँ, फिर आपको मार्किंग करके दिखा देता हूँ कि किस तरह किया जाता है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे टेप लगाना है, मैं 100 mm पे टेप लगा रहा हूँ ताकि 0-0 मुझे माप मिल जाए मेजरमेंट। तो ये देख सकते मेरा आया है 90 mm, टोटल मेरा आया है 90 mm, और ये वाला तो मेरा आएगा जो है मेरा वही 120 mm। तो ये मेरा आया है टोटल 120 जो मैंने लिया था वही आया है। अब ये वाला लपेट मुझे चेक करना है कि ये कितना आ रहा है। तो मैं यहाँ पे इंची टेप 100 पे लगाता हूँ, तो ये मेरा इधर 50 आ रहा है, और यही 50 पे लेके मैं प्लस कर लेता हूँ। तो ये आया मेरा 145 टोटल, ये रेडियस इधर से लेके इधर तक 145। तो अभी मुझे 3 डबल काटना है, तो वो मैं आपको काट के दिखा देता हूँ, आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और वीडियो नॉलेजेबल वीडियो है, लंबा होगा, प्लीज़ आप वीडियो को स्किप ना करें, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा। सिंपल सा पीस है ये, सिंगल बन गया तो डबल काटना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे फिर भी मैं आपको मार्किंग करके दिखा देता हूँ किस तरह किया जाता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे राइट एंगल मार के आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे 50 mm का मार्किंग ले लिया हूँ। अब मैं सबसे पहले काटूंगा ये वाला डबल, आप जिसको भी काट लेना मुश्किल है, मैं ये बड़ा वाला है। बड़ा काटने से क्या होगा कि आपको पता, अगर छोटा स्क्रैप बचेगा तो उसमें आप ये डबल काट सकते हो। इसलिए मैं सबसे पहले ये जो मेरा आया है 145, तो मैं सबसे पहले ये बड़ा ले लेता हूँ 145। तो देख सकते हो यहाँ पे मेरा एक पॉइंट आया है और एक यहाँ पे आया है। तो ये मेरा हो चुका है एक डबल, और यहाँ पे मैं इसको लाइन खींच देता हूँ। इसको आप नंबर दे सकते हो, मैं इसको ए पार्ट कर देता हूँ, ए पी ए आर टी, ये ए पार्ट हो चुका है मेरा, ए पार्ट, ठीक है। ये इसका हो चुका है। अब करना क्या है, इधर का डबल काटना है। तो इधर का डबल मेरा सेम है, मैं सिंपल सा यहीं पे एक 50 mm का मार्किंग लेके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि वो भरने वाला नहीं है, जो भरेगा वो साथ में है। यहाँ पे ले लेता हूँ इसका मार्किंग, तो इसको मैं खींच लेता हूँ एक लाइन। 50 mm साइज है मेरा, ये इस तरह हो चुका है। और करना क्या है, इसको यहाँ पे मेरा जो लेंथ है वही लेंथ को चालू रखना है इस तरह। तो इसको भी मैं पार्ट करना, तो आप लोग देख सकते हो मेरा ये वाला डबल भी कट चुका है इधर का, ये डबल इधर का जो था ये। अब जो बचा है मेरा, ये बचा है सिर्फ 90 mm का डबल, तो उसका भी मैं मार्किंग करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे ही। ये मेरा साइज इधर पे मेरा साइज ऑलरेडी मारा हुआ है, तो इसी को मैं थोड़ा लंबा लाइन अच्छे से खींच लेता हूँ। ये लाइन मेरा थोड़ा गड़बड़ हो चुका है, और ये जो मैंने डबल मारा था इधर वाला, इसी पे मार लेता हूँ सिंपल सा। 90 mm जो आया है मेरा वो, एक मार्किंग यहाँ पे ले लिया मैंने, और एक ले लिया 90 mm का, और यहाँ से ले लेना है 50 mm का, ठीक है। वो इधर आ रहा है मेरा 50 mm का मार्किंग, तो इसको ले लेता हूँ मैं, और तो इसको मैं एक लाइन खींच देता हूँ। यहाँ पे मैंने 50 का एक पॉइंट ले रखा है ऑलरेडी, तो ये लाइन इस तरह यहाँ पे आ चुका है मेरा, और ये लाइन जो है मेरा यहाँ पे मैच हो चुका है। तो मैं इसको 90 mm लेंथ है टोटल जो है मेरा, वो 90 mm वाला ये हो चुका है मेरा, और ये 120 का हो चुका, और ये आया मेरा 145 mm। तो दोस्तों देख सकते हो आप, ये मेरा 3 पार्ट बन चुका है, ये 1, 2, 3, 4 सॉरी 4 पार्ट बन चुका है। अब आपको सिर्फ एक ही पार्ट काटना है, ये वाला काटना है, ये भी आप कहीं पे बैठा के काट लेना है। जब आप इसको काटोगे तो एकदम इसी तरह का दिखेगा, इधर आ जाएगा आपका 70 mm बाई 50 mm, और इधर 70 mm बाई
50 mm आ जाएगा, इधर 100 mm बाई 50 mm हो जाएगा, और इधर 50 बाई 50 हो जाएगा, और ये आपका इनर रेडियस हो जाएगा, ये आपका जो भी आ जाए। तो इसी तरह बनाया जाता है वाई पीस। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया इस वीडियो में, और अगर आपको कुछ भी डाउट होता आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, और मैं आपको जवाब भी दे देता हूँ कमेंट का, क्योंकि अभी जो भी कमेंट आता है मैं, और तो जब आप इसको काट लोगे तो ये देख सकते हो कुछ इस तरह का दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ इसको तो भी ये आप देख सकते हो एकदम 0-0 आ रहा है, यहाँ पे एकदम 0-0 आ रहा है, क्योंकि ये देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसका रेडियस थोड़ा कम लिया था, इसका ज़्यादा है। तो इस तरह का जब आप काटोगे तो सेम इसी तरह का पीस बनेगा, और इसमें डबल आ जाएगा, यहाँ पे सिंगल ले लोगे आप, और इधर आपको फलांचे रखना है फलांचे रख लो, इधर TDF जो भी रखना हो आपके ऊपर है, और एक्सटेंशन जितना भी है उतना ले लेना है। 40 mm था मेरा इनर रेडियस, तो मैंने पूरा 40 ही ले लिया है, इधर 10-10 mm छोड़ के सिर्फ। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा, प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।